गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, हमारे गणपति पप्पा का आगमन हो चुका है, और मैंने सोचा कि हमारे गणपति को दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एक है लड्डू, जी हाँ, और दूसरा है मोदक। तो लड्डू तो सबको ज़्यादातर बनाने आते ही है, बट मोदक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग थोड़ा बनाने से डरते हैं, जैसे कि मैं भी डर रही थी पहली बार जब मैंने मोदक बनाया। तो मोदक बनाना ऐसा कुछ भी 30 मार खान नहीं है जैसा हम लोगों को लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मोदक की न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और इस ब्लॉग में डिटेल्स के साथ उसके साथ शेयर किया जाए, मतलब वो रेसिपी जो है उसको मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और मैं दिखाऊँ कि मोदक जितना टफ लगता है उतना टफ होता नहीं है, बहुत ही आसान होता है। बहुत लोगों को पता भी होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको चाहती हूँ कि डिटेल्स मैं बताऊँ अपने ब्लॉग में, और वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और मोदक की रेसिपी बनाते हैं, और आज का ब्लॉग का शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, क्यों? तो बिना किसी देरी के चले चलते हैं हम अपने किचन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शाम को आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ। सुबह में मैंने अपना काम करने के बाद आपको बताइए कि मैं कहाँ बिज़ी हो जाती हूँ, तो अभी शाम को मैं बिज़ी होके फ्री हुई हूँ। और मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अभी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है बाहर से, तो उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर मार्केट में, देखते हैं क्या क्या ले पाते हैं, और एक सरप्राइज़ है जो अभी नहीं बट आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि क्या लेने जा रही हूँ, क्या है, जो भी डिटेल्स है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल चलिए चलते हैं मार्केट बिना किसी देरी के। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो क्या देखती हूँ कि गांधी मैदान साइड ज्ञान भवन है एक, जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ शॉपिंग के लिए, सेल लगता है उसमें, मैंने आपको दिखाया भी है मेरे ब्लॉग में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे 2022 का सरस मेला लगा था बिहार का। जी हाँ, ये सरस मेला मुझे जहाँ तक याद है गांधी मैदान में लगता था और ठंडी के टाइम लगता था, बट अभी पता नहीं क्यों ये ज्ञान भवन में लगा है और जल्दी लगा है। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले ये देखते हैं कि क्या लगा है, तो इसलिए हम लोग एंटर कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जीविका का ऐसे रंगोली बनाया हुआ था, बैनर भी बनाया हुआ था फोटो सेशन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रिटी लग रहा था, तो मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया। और आप लोग भी देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटो सेशन करवा रहे थे। उसके बाद हम लोग गए अंदर, और अंदर जाने के बाद कुछ न जाने ऐसा था, काफ़ी ज़्यादा भूख थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत ही छोटा छोटा शॉप है यहाँ पे, जैसे कि डोरमेट का एक शॉप है, एक नहीं दो तीन डोरमेट का शॉप यहाँ पे था। उसके बाद बहुत सारे लैंप के दुकानें थी, कारपेट का शॉप था, मतलब बहुत ही ज़्यादा और बहुत यूनिक चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जो है वो हैंडमेड है, जी हाँ बिल्कुल स्वदेशी है, जो अपने हाथों से बनाया गया है। तो अगर आप आते हैं प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदिए, और अपने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाइए। देखिए ये कारपेट बहुत ही अच्छा लग रहा था, अलग अलग पूरा, मतलब इस लाइन में कारपेट ही लगा हुआ था। तो मैंने कुछ चीज़ें जो सूट की वो आपको दिख रहा होगा, मैंने पूरा नहीं सूट किया क्योंकि कारपेट ही है। अगर आप पटना में रहते हैं तो ज़रूर आइए और देखिए इसे, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और हम लोग बस चक्कर लगाने शुरू हो गए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, मधुबनी पेंटिंग, जी हाँ शायद मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं, उसका प्रिंटेड सूट था, साड़ी था, और ये कितने क्यूट क्यूट हैंडबैग थे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरा तो कुछ प्लान नहीं था कि मैं मेला घूमने आ रही हूँ, मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे सरस मेला लगा है। मैं तो निकली थी कि हाँ मुझे जो चीज़ें लेनी है उसके लिए चलो निकलते हैं, बट जैसे ही निकले तो मेरा ध्यान आया, तो मैं इस यहाँ पर अभी कुछ लेने का प्लान बना के नहीं आए थे, तो मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने सिर्फ एक्सप्लोर किया कि क्या क्या चीज़ें हैं। और पक्का मैं नेक्स्ट टाइम एक बार ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि ये 20 तारीख तक शायद है, तो मैं एक बार और जाऊंगी और ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें लूँगी, क्योंकि ये सब इतनी मेहनत से बनाए हैं।
स्टॉल लगाए मुझे उनकी पूजा के लिए लेना बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत पसंद भी आया, बट मैंने अभी नहीं लिया, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि थोड़ा अभी तंगी चल रही थी। हाँ हाँ, मेरे पैसे भी थोड़ी कमी है इसलिए मैंने उसको बॉडी किया। और यहाँ देखिए इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति है, वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को मुजरी पसंद है तो आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं, बहुत वैरायटी की मिलेगी। और मुझे ये एक मैक्सी ड्रेस बोल सकते हैं, पूरा लॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था बट नहीं लिया मैंने। मैंने सोचा कि चलो यार नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो लूँगी। मैंने देखा बहुत ही कम्फर्टेबल था और स्कर्ट भी था लॉन्ग। और मुझे पूरी जगह जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी ये, जी हाँ, ये हैंडमेड सिंदूरदानी बोल सकते हैं, जिसमें सिंदूर रखने के लिए बनाया गया है, अलग अलग वैरायटी बनाया था और बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, 50, 100, 200, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता था, बट बहुत ही बारीकी से बनाया गया था और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया था। हो सकता है ये मशीन से भी बनाया गया हो बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो और कुछ लूँ या ना लूँ बट मैं इसे डेफिनेटली लूँगी ये सिंदूरदानी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो। और ये देखिए हमारी माता रानी का लकड़ी का बनाया गया ये मूर्ति था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे भी कैप्चर किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग आइए और ज़रूर लीजिए। और बाहर के साइड में खाने का भी इंतज़ाम था कि अगर आप पूरा मेला घूमने के बाद थक जाते हो तो आप आराम से पेट पूजा भी कर सकते हो बाहर साइड में आके। तो मैंने वो भी ले लिया कि आपको निराश नहीं हुई कि इतना घूमने के बाद धूप तो वेस्ट लगेगी ही, तो आप यहाँ पे आके पेट पूजा भी कर सकते हैं। बस ऐसा कुछ था ज्ञान भवन मेला जो मैंने देखा और कैप्चर किया। तो अगर आप पटना में रहते हो तो गांधी मैदान साइड में ज्ञान भवन है, आप वहाँ पे आइए और ज़रूर इस मेले का लुत्फ़ उठाइए क्योंकि मैं भी एक बार और आने वाली हूँ वहाँ पे। तो बस ये रहा मेला। उसके बाद वहाँ से और कुछ सूट नहीं किया, मैं निकल गई और मैंने कुछ भी नहीं लिया था। और ये हैंडबैग का रजिस्ट्रेशन बहुत ही, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिया तो नहीं बट हाँ मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप पटना में रहते हैं तो ज़रूर ज्ञान भवन आइए। और ये मेला आपको आई थिंक 20 सितंबर तक लगा हुआ है, तो आप आके देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर पूछ लूँगी बट अभी तो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली देख लिया है कि क्या क्या लगा है। तो आप भी आइए और सरस मेले का लुफ्त उठाइए, वो भी इस गर्मी में एसी के अंदर लगाया मेला तो एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट है। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं और यहाँ से निकलते हैं फिलहाल क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम लग गया है। तो फिर चलिए चलते हैं बाहर यहाँ से और आप भी आके जरूर इसका आनंद उठाइए। मॉर्निंग यू, देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा कपड़े का अंबार लगा हुआ है। एक्चुअली मेरे घर का आयरन ख़राब हो चुका था तो रोज़ कपड़े बस रखे जा रहे थे बट फाइनली बन के आ चुका है। तो इतना सारा कपड़ा मुझे आयरन करना है बट क्या कर सकते हैं। और मैं कल ब्लॉग का एंडिंग नहीं दे पाई थी तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में अच्छे से एंडिंग दूँगी, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आप लोग पटना में रहते हैं तो जाइए और सरस मेला का एंजॉयमेंट लुत्फ़ उठाइए। वहाँ पे आपको खाने की भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी और छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, तो आप अगर कुछ हैंडमेड चीज़ें लेना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, भारतीय है और भारत को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज़ें खरीदनी चाहिए हम लोगों को, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो जाइए। और ज्ञान भवन में गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन है, वहाँ पर उसके अंदर में लगा है सरस मेला, तो जाइए और घूमिए, खरीदिए, खरीदारी कीजिए स्वदेशी चीज़ों की। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो आपको बताइए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ दूसरों के पास शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में और अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।